हेलो दोस्तों, इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा ईमो की जो प्रॉब्लम सऊदी में, दुबई में, कतर में ये जो प्रॉब्लम हो रही है क्यों होती है और हमें इस प्रॉब्लम से कैसे बचना है, यानी कि ईमो में जो प्रॉब्लम है उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो यही मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जो कि उसमें अच्छी वीडियो थी, वो जो अपलोड की थी मैंने, उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमें अपने इसमें जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कैसे करनी है, यानी कि ईमो की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कैसे करनी है जो कि सऊदी में, दुबई में, कतर में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो यही मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी ऐसी रोज़ाना टेक्नोलॉजी की वीडियो आती रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने प्ले स्टोर ओपन कीजिए। जैसे ही आप अपना प्ले स्टोर ओपन करोगे तो मैं आज इसका प्रोसेस आगे बताता हूँ। तो सिंपल, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ईमो बिल्कुल अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपने प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप अपनी सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जैसे जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद सबसे ही जो ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है ऑटो अपडेट ऐप्स, तो ये ऐप क्लिक करना है। इसमें आपको ये यहाँ पे डो नॉट ऑटो अपडेट्स, इस पर क्लिक करना है। जो हमारी ऑटोमेटिक जो अपडेट होती हैं ऐप जो आता है, जैसे कि कंपनी जो नए नए फ्यूचर देती होती रहती ऑटोमेटिक ऐप के साथ, क्लोज कर देना है। क्योंकि ईमो की जो प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा अपडेट की प्रॉब्लम है। और फिर आप अपने ऐप्स को प्ले स्टोर को बंद कर देना, वापसी चलना। उसके बाद दोस्तों अब जो मैं आपको बताऊँगा वो करना है। तो इसमें जो है आप अपनी जो डाउनलोड करी हुई ईमो है वो डिलीट कर देना पहले, उसके बाद ये प्रोसेस करना। उसके बाद आपको एक ऐप है एपड्रॉइड, ये अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है दोस्तों। प्ले स्टोर में नहीं, सॉरी दोस्तों, ये प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा आपको, ये क्रोम ब्राउज़र से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई से भी ब्राउज़र से। और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डाउनलोड बड़ी आराम से कर सकते हो। बस उसमें से जाके आप ईमो जो 5 महीने पहले ही की है वो डाउनलोड कर लेना और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। इसे सिंपल आपको ओपन करना है, सेम प्ले स्टोर की तरह है दोस्तों। जैसे आप प्ले स्टोर में जाते हो वैसे ही इसमें जाना है आपको। प्ले स्टोर में जाओगे तो वैसे ही सेम है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ईमो, मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो आएगा। तो आपको यहाँ पर ईमो सर्च करना है, ईमो, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ ईमो। तो मैंने जैसे ईमो सर्च किया तो यहाँ पर ईमो जो है लेटेस्ट वर्जन सब यहाँ पर आ जाएंगे। ये देख सकते हो फर्स्ट में जो आया है ईमो 5 दिन पहले है, और ये ईमो बेटा फ्री ये जो है 2 महीने पहले है, और ये की है ईमो। तो आपको ये जो ईमो है दोस्तों जो यहाँ पे दिखाई दे रही है 5 मंथ आगो, तो ये वाली जो ईमो है ये डाउनलोड करनी है आपको। ये जो ईमो है ये देख सकते हो, ये वाली ईमो आप डाउनलोड कर लेना। इस ईमो को डाउनलोड करने के बाद अपना सेम जैसे प्रोसेस होता है अपना नंबर डालना, उस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है फिर भी ईमो से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए ये ख्याल रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।